जितनी भी संपत्ति अपराधों से अर्जित की गई है उस संपत्ति को भी इन्वेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा। ओके, ये माल है, ये ऊपर बाबू। 1 अक्टूबर को प्रातः सनबीम हॉस्टल के पास ब्रह्मानंद नगर कॉलोनी दुर्गाकुंड पुलिस स्टेशन भेलुपुर में एक महिला के साथ 1,42,000 रुपये की लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस उपायुक्त श्री चंद्रकांत मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पूरी टीम, जिसमें SOG सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन भेलुपुर की टीम, ACP भेलुपुर आदि ने, सभी ने मिल करके इसमें कार्य किया। पूरी टीम ने जो है इसमें सफलता अर्जित की और टीम ने जो है CCTV फुटेज को देखा, कुछ मुखबिर तंत्र को मजबूत किया और साथ ही साथ जो है सर्विलांस की भी मदद ली। 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त जो है ये जयकांत पटेल, ये थाना जो है चैनपुर जिला कैमूर के रहने वाले हैं। दूसरा भी अनिल पटेल, ये जिला कैमूर भभुआ का रहने वाला है। और दोनों अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई तो दोनों ने भेलुपुर की जो घटना 1 अक्टूबर को कारित किए हैं 1,42,000 की, उस घटना को स्वीकार किया और साथ ही साथ एक शिवपुर में चेन स्नैचिंग की घटना का प्रयास किए थे, उसको भी इकबाल किए। इसके पूर्व एक चोरी की मोटरसाइकिल जो है इन्होंने घटना कारित की थी पुलिस स्टेशन लंका में, उसको इकबाल किया। पूर्व में ये कैमूर जनपद बिहार में ही ये 2 बार पूर्व में जेल, 1 बार लूट में और 1 बार मारपीट में जा चुके हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है। ये जो है कैमूर से आकर के रेकी करते थे बनारस में और फिर इसके बाद ये घटना इनके द्वारा कारित की गई। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खुलवाई जाएगी। इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति है उसकी जानकारी करके पुलिस जो एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है 14(1), उसके तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी संपादित कराई जाएगी। ये दोनों अभियुक्त जो है अपने शौक को पूर्ण करने के लिए, आर्थिक रूप से दोनों अभियुक्त बड़े संपन्न हैं, इनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी अपने ये कुछ शौक पूर्ण करने के लिए इस तरह की घटना जो है कारित किए। ये इस घटना से जो संबंधित माल है वो जो है बरामद हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त से के हिस्से में 71,000 रुपये आया था, जिसमें से 10,000 रुपये इसने नगद बरामद कराया है और 20,000 रुपये NDFC बैंक में इसने जमा किया था और इसी तरह से उत्कर्ष बैंक में भी इनके द्वारा पैसा जमा किया गया। तो इस घटना से संबंधित जो है जो धनराशि है वो लगभग बरामद हुई है और साथ ही साथ एक जो है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक चोरी की मोटरसाइकिल वो भी बरामद हुई है। इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन आदि का प्रयोग किया गया है वो भी बरामद हुआ है और इनके जो कब्जे से जो अन्य चीज़ें थी वो भी बरामद हुई हैं। ये इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में जो सराहनीय कार्य जिन कर्मियों ने किया है उन सभी को 25,000 नगद जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। जो महिला है वो कहीं से ट्रेवल करके आ रही थी नोएडा से, तो क्या इन्होंने क्या ट्रेन में रेकी की या किस तरह से घटना को अंजाम दिया? वो महिला ट्रेन से आई थी, इसके बाद फिर टोटो के माध्यम से फिर अपने घर के पास ही पहुंची रही थी कि अचानक से ये मोटरसाइकिल से आए और उस महिला को देखा क्योंकि उसके पास बैग है,
और उस बैग को इन्होंने छीन लिया। इनका कोई गिरोह है या ये सेपरेट अपना दो लोग? ये दो ही लोग हैं, इनका कोई अन्य गिरोह नहीं है, यही दो लोगों का एक गैंग है और गैंग के तहत ही इन्होंने एक घटना कारित की है। जितनी भी घटनाएं जो कि शिवपुर की चेन स्नैचिंग की घटना का या मोटरसाइकिल जो है चोरी की घटना का या जो भेलूपुर की लूट की घटना कारित करने में यही दोनों अभियुक्त सम्मिलित रहे हैं।